नमस्कार दोस्तों, इस स्टूडेंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बात करने जा रहा हूँ नोटिस और पुणे सिटी के बारे में, क्या आगे जाके जीत पाएगा या फिर नहीं, नोटिस इनवाइट एफ सी क्वालिफाई हो सकता है या फिर नहीं। क्वालिफाई के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाइए और देखिए। उस वीडियो में मैंने बताया था कि नोटिस इनवाइट एफ सी को आगे जाके कितने सारे मैच जीतना होगा और कितने सारे मैच, अगर नोटिस इनवाइट एफ सी इसमें से कोई भी मैच हारे तो नोटिस इनवाइट एफ सी क्वालिफाई हो पाएगा या फिर नहीं, सब कुछ बताया था उस वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए और देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नोटिस और पुणे सिटी के बारे में। कल शाम 7:30 बजे जो मैच होने वाले, तो फ्रेंड इसी के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी डिटेल्स में, कौन खेलने वाला है, नोटिस इनवाइट एफ सी जीतेगा या फिर हारेगा, कौन कौन खेलने वाला है क्या, और भाई प्रेडिक्शन देने वाला, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल्स में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत मजा आएगा। और अगर नॉर्थ ईस्ट एफ सी इस मैच को हारे तो क्या होगा और अगर जीते तो क्या होगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत मजा आएगा, आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं कल शाम 7:30 बजे जो ये खेल देखा जाएगा, जो कि गुवाहाटी से लाइव होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, पुणे के साथ खेलने वाला है। तो अपने उसी के साथ साथ अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी, अभी तक बहुत सारे मैच खेला है, लेकिन उनमें से कुछ मैचों के बारे में बात करें जो कि रिसेंटली खेला गया था। और ऐसे में अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी और चेन्नई के साथ एक मैच हुआ था जो कि 26 जनवरी को, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी ने उस मैच को जीता, यानी कि काफ़ी अच्छा खेला। सेकेंड मैच के बारे में अगर बात करें, यानी कि तो उसके बाद जो मैच हुआ था भाई, 30 जनवरी 2019 को जो मैच हुआ बेंगलुरु के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी, ये मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी ने 1 गोल डाला और बेंगलुरु ने 2 गोल डाला, लेकिन खेल काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। हालांकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी उस मैच को जीता नहीं, लेकिन खेल काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। तो फिर उसी के साथ साथ अगर बात करें 7 फरवरी को जो खेल हुआ, वो खेला था दिल्ली के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी, 1-1 गोल हुआ, यानी कि खेल हुआ था ड्रॉ। तो फिर उसके बाद अगर बात करें 13 फरवरी को जो खेल देखा गया, वो खेला मुंबई सिटी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी काफ़ी अच्छा खेल दिखाया। तो फिर अभी हम बात करने जा रहे हो नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि खेलने वाला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी पुणे सिटी के साथ खेलने वाला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी, जो कि 20 तारीख को ये खेल देखा जाएगा, यानी कि 20 फरवरी शाम 7:30 बजे ये मैच होने वाली, यानी कि कल जो ये मैच देखा जाएगा। तो फिर इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी जीत पाएगा या फिर नहीं, इससे पहले हम देख लेते हैं भाई पुणे सिटी कैसा खेलते हैं। तो फिर पुणे सिटी के बारे में अगर बात करें, केरला ब्लास्टर के साथ खेला पुणे सिटी, काफ़ी इंटरेस्टिंग खेला। अगर बात करें गोवा के साथ खेला, पुणे सिटी हार गया। उसी के साथ साथ अगर बात करें चेन्नई के साथ खेला, पुणे सिटी जीत गया। उसी की तो फिर उसके बाद एटी के साथ खेला, जो कि खेल हुआ था ड्रो, 2-2 गोल के। उसी के साथ साथ अगर बात करें जमशेदपुर एफ सी के साथ खेला पुणे सिटी, काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल दिखा, जो कि कुछ दिन पहले हमें देखने को मिला। तो फिर अभी हम देख लेते हैं भाई नेक्स्ट जो मैच होने वाले 20 तारीख को, वो खेलेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी के साथ। इससे पहले जो देखने को मिला, इस हिसाब से अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी और पुणे सिटी की ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों टीम काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम है, दोनों टीम काफ़ी अच्छा खेल दिख रहा है। तो फिर ऐसे में अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी ने और एक नए प्लेयर को साइन किया, यानी कि भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी में शायद उस मैच में खेले, यानी कि इस मैच में खेले, लेकिन भाई ज़्यादा चांसेस नहीं है इस मैच में खेलने के लिए, लेकिन हो सकता है आखिर में 2 या 3 मिनट के लिए देखा जाएगा नए प्लेयर को। अगर नए प्लेयर के बारे में अगर नहीं जानते तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, चाहिए और वो भी वीडियो देखिए। तो अपन ऐसे में अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट और पुणे सिटी, दोनों टीम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर मेरा जो प्रेडिक्शन है वो है भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी का जीतने की चांसेस 60% और पुणे सिटी का चांसेस है 40%। उसी के साथ साथ अगर बात करें लाइनअप के बारे में, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी में लाइनअप इस बार चेंज होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर बात करें पुणे के बारे में, पुणे में भी बहुत चांसेस देखने को मिलेगा। अगर बात करें पॉइंट टेबल के बारे में, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी इस टाइम पे 3rd पोजिशन पर है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी अगर जीते तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी को बहुत अच्छा होने वाला है। तो फिर उसी के साथ साथ अगर बात करें पुणे सिटी के बारे में, पुणे सिटी इस टाइम पे 7 पोजिशन पर है, यानी कि 7 नंबर पे है, और अगर पुणे सिटी जीते तो जाके एटीके की बराबर होने वाला है, और ऐसे में पुणे सिटी को जीतना होगा। तो फिर फाइनली मेरा जो प्रेडिक्शन है वो है भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी 60% और पुणे सिटी 40%। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, एक बार बताना कमेंट पे जरूर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी का फैन हो या फिर आप हो पुणे सिटी का फैन, तो एक लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इधर आपको हमेशा की तरह आईएसएल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, जो कि कन्फर्म न्यूज़ होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।